पुलिस द्वारा 100 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमत 30,000 रुपए सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन में एवं SDOP करैरा शिवनारायण मुकाती के कुशल मार्गदर्शन में थाना करैरा पुलिस मुखबिर सूचना पर ग्राम वय गए धरी आनंद सागर के कच्चे रास्ते में एक महिला 2 प्लास्टिक की केनों में अवैध शराब रखे हुए खड़ी थी, जो किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। मुखबरी सूचना की तस्दीक करने पर आरोपिया प्रेमवती पत्नी संतु परिहार उम्र 50 साल निवासी ग्राम वैगैधरी अब्बल के कब्जे से 2 प्लास्टिक के केनों में 50-50 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब, कुल 100 लीटर कच्ची शराब कीमत 30,000 रुपये की जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। संवाददाता संजय से। एक व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या है? आज शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बगेदरी का पप्पन जाटव अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है। इस संबंध में चेकिंग लगाई गई तो आनंद सागर के पास में उक्त व्यक्ति एक आता देखा, जिसकी मोटरसाइकिल पर 2 कैन लदी हुई थी। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पप्पन जाटव निवासी बगेदरी का बताया था। दोनों कैनों में करीब 100 लीटर कच्ची देश सात पट्टी की शराब मिली थी। आरोपी के ऊपर 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से जब्त हुआ शराब की कीमत लगभग 30,000 है और 40,000 की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कुल मतलब का 70,000 का जब्त किया गया है। महिला को शराब के साथ पकड़ा है, पूरा मामला क्या है? आज शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बगेदरी की एक महिला जो अवैध रूप से 2 कैनों में कच्ची शराब रखे हुए हैं तथा लोगों को बिक्री कर रही है, उक्त सूचना पर तस्दीक की गई तो महिला आरोपिया के कब्जे से 100 लीटर शराब जब्त की गई है। उसके विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है।